मेरा YouTube चैनल झोक व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप ठीक होंगे, सारे फिट और फाट, मतलब क्या क्या और ज़्यादा कुछ जो कुछ भी होंगे बस होंगे। हाँ दोस्तों, आज जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ वो चीज़ क्या है, हाय हाय हाय, वो चीज़ है दोस्तों YouTube के बारे में कि आप YouTube पर आकर ठीक है ना बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, सुकून से कमा सकते हैं, आराम से कमा सकते हैं और घर बैठे वीडियो अपलोड करके कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। आप YouTube पे आके ठीक है ना किसी दूसरे की कॉपी नहीं करनी आपने, ठीक है ना। अगर कॉपी करनी है तो आप YouTube पे ना आए, ठीक है। अपना टैलेंट दिखाना है, खुद अपने आप फेस कैम करना है, अपने आप को सामने लाना है, ना कि किसी दूसरे का मटेरियल उधर से कॉपी करके इधर डाल दिया। ये काम नहीं चलेगा। ये काम पहले YouTube पर होता था, लेकिन अभी जो YouTube है ना बहुत सख्ती से ये मना कर रही है कि जो यूजलेस वीडियोस हैं या जो यूज कंटेंट है वो जो है ना इस पे YouTube पे दोबारा नहीं चलेगा। और किसी भी मतलब प्लेटफार्म पे आप चले जाएं, TikTok हो गया, लेकी हो गया, कोई भी प्लेटफार्म है, किसी भी प्लेटफार्म पे ये बिल्कुल यूज़ जो वीडियोस हैं वो नहीं चलती, बिल्कुल नहीं चलती और काबिल कबूल भी नहीं होती। मैं यार एक बात ये कहना चाहूँगा, अपने आप को शो करो, अपने आप को फेस कैम। इंडिया का तकरीबन कोई 3.3 मिलियन व्यू का बंदा, 3.3 मिलियन सब्सक्राइबर वाला, ठीक है ना, वो बंदा वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वॉइस ऑडियो में करता था और आगे पिक्चर वगैरह शो करता था। उसका यूट्यूब वालों ने किसी पता नहीं कोई न्यूडिटी है या कोई उनकी जो प्राइवेसी को उन्होंने नहीं मतलब उसके ऊपर अमल किया, तो वो यूट्यूब ने उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया, बैन कर दिया, चैनल डिलीट कर दिया, ठीक है ना। तो वो अभी बहुत परेशान है क्योंकि उसकी रोज़ी रोटी सारी उसी चैनल से आ रही थी, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको बताऊं कि उसका अभी आप यूट्यूब पे वो फेस कैम आ भी जाए, ठीक है ना, लेकिन उसका वो नहीं होगा कि जो फेस कैम आप सामने हैं, आपको लोग पर्सनैलिटी मतलब एक जानते हैं, लोग पब्लिक फिगर हैं, आपको सब जानते हैं, उसको सिर्फ वॉइस को जानते हैं, उस बंदे को तो नहीं जानते ना। इसलिए मैं बार बार अपने दोस्तों से कहता रहता हूँ कि प्लीज़ आप वॉइस में जो भी आप वॉइस कंटेंट बनाते हैं या किसी की तस्वीरें इधर उधर से लेकर मिक्स करके डाल देते हैं तो प्लीज़ वो ना किया करें। अगर वो करना है तो आप YouTube पे बेशक ना आए, अपना टाइम जो है ना इस पे खर्च ना करें, ये फालतू चीज़ है, फजूल है। अगर आप सीरियस YouTube पे काम करना चाहते हैं तो ठीक है ना, आए अपना जो टैलेंट है अपना टैलेंट दिखाएं। आपको मतलब जो कुछ भी आप मतलब आप में कुछ है कर दिखाने की तो वो करें, लेकिन ये किसी का यूजशुदा कंटेंट नहीं डालें, ठीक है ना। ये मैं आपको कहना चाहूँगा, चंद माह पहले जो है ना मैं कुछ भी नहीं था, मेरा यूट्यूब चैनल कुछ भी नहीं था, तकरीबन कोई छः सात माह हो गए मेरे यूट्यूब चैनल को बिल्कुल ख़त्म था, कोई भी उस पे ऊपर एक व्यू भी नहीं आता था, मैं भी बहुत परेशान बाकी हो गया था, सब होते हैं यार, एक मैं नहीं हो गया था, सब परेशान होते हैं। तो फिर क्या हुआ, मैंने कहा ख़त्म करो, छोड़ते हैं यार इसको, इस चीज़ में कोई दम भी नहीं है, बस खली वली करते हैं। लेकिन एक मेरा दोस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उस बंदे ने मुझे
मोटिवेशन किया कि यार इस काम को नहीं छोड़ो। अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं आप अभी उसको दुआएं करता हूँ, ठीक है ना, दुआएं करता हूँ उस बंदे को कि उसने मुझे उस टाइम ये राय दी कि इसको नहीं छोड़ो काम को, ये काम जो है ना आपके लिए बेस्ट है, बेहतर है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना ये काम, मुझे यही काम जो है ना आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बेस्ट है और मुझे आगे की जो राह है ये यूट्यूब भी मुझे दिखा रहा है। सॉरी टू से, मेरे मतलब ज़बान पे जो कुछ भी आता जा रहा है मैं वो आपको सच, क्योंकि जो बात सच होती है ना वो जो है ना बंदा बोलता है तो इसलिए थोड़ा हड़बड़ाता है, ठीक है ना। तो मैं आपको यही कहूँगा कि प्लीज़ आप किसी का यूज़ शुदा कंटेंट, अक्सरियत दोस्तों को मैंने देखा है मुझे ऐसे में कमेंट में करते रहते हैं लोग, ठीक है ना, मैं जाके उनके अपना चैनल भी चेक करता हूँ तो वहाँ पर अक्सरियत जितने बंदे भी हैं उनका यूज़ शुदा कंटेंट पड़ा है। तो प्लीज़ खुदारा, ठीक है ना, अगर आप मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर तो किसी का यूज़ शुदा कंटेंट ना डालें अपने चैनल के ऊपर, तो आपका चैनल कभी भी डिलीट हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, आपकी सारी मेहनत ख़त्म हो सकती है, ठीक है ना। आप अपना कंटेंट बनाएं, ओरिजिनल कंटेंट बनाएं, ठीक है ना, उसमें अपना कोई मतलब यूट्यूब देता है म्यूज़िक आपको, बैकग्राउंड जो वो भी यूट्यूब के देता है आपको, ठीक है ना, वो अपना डालें बिल्कुल, किसी का भी कोई मतलब बैकग्राउंड साउंड भी ना डालें, अपना कंटेंट बनाएं और साफ़ सुथरा कंटेंट बनाएं, किसी को फ़ायदा पहुंचाए वो कंटेंट बनाएं। अभी पिछली दफ़ा अली वीर है, पता नहीं कौन सा वीर है यार, मुझे तो इनकी समझ नहीं आती, पिछली वीडियो में मैंने इनको रोक लाई, अरे भाई ये जिनकी इनकी जितनी वीडियो भी हैं, ठीक है ना, मैंने इतनी देखी तो नहीं है लेकिन एक आधी मैंने देखी है वीडियो इसकी, यार इनकी जितनी वीडियो भी हैं, जितनी वीडियो, ये अवाम को जो देखने वाले हैं उनको कोई काम की बात नहीं बताते, ठीक है ना, बस अपनी चवलियाँ, सॉरी टू से जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन ये हकीकत है यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कोई भी काम की बात ये बताते नहीं है, ठीक है ना। भाई आप YouTube पे आए हैं, आपके जो सब्सक्राइबर हैं उनको आप, ठीक है ना, तो काम की बात तो बताएं, आखिर इतने अरसे से उन्होंने आपको जो है ना सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपका वो ये तो नहीं देखने आए कि यार तुम शादी कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर। अगली पिछली दफ़ा जो है ना उसने अपनी वीडियो बनाई अली वीर साहब ने, तो बोला मैं जी 5 मिनट मेरे वेस्ट कर दिए उस बंदे ने, पिछली वीडियो में मैंने यही कहा था कि मैं जो है ना